Good morning. Welcome back. My today's topic is successor of Ashoka and fall of Maurya dynasty. Ashoka ke uttaradhikari aur kis tarike se Mauryan dynasty ka patan shuru hua, ye hum aaj dekhne wale hain. For 50 years after Ashoka, Ashoka ke baad 50 saal tak Mauryan dynasty chali thi, but his big successor continued to rule. उनके जो कमजोर उत्तराधिकारी थे उन्होंने 50 वर्ष तक अशोका के बाद ये राजपाट संभाला। After अशोका कुनाला became the king, थोड़ा सा चार्ट की तरफ आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो कि फाउंडर थे मौर्य डायनेस्टी के, उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसारा यहाँ पर आए और उन्होंने राजपाट संभाला। बिंदुसारा के पुत्र अशोका, जिन्होंने बहुत अच्छे से अपने एम्पायर को बढ़ाया भी, बुद्धिज्म का प्रचार भी किया, और उनके बाद कुनाला, ठीक है, कुनाल यहाँ पर क्या बने, राजा बने, who has been described as धर्म विवेकवर्धन इन दिव्य वदना। हुआ ये, कुनाला जब राजा बने तो कुनाला को दिव्य वदना नाम की पुस्तक के अंदर धर्म विवर्धन के नाम से जाना गया था। According to Raj Tarangini, ये भी एक बुक है, इसके तहत जलोक was the ruler of Kashmir at the time. जब यहाँ पर कुनाला का राज चल रहा था, जलोक कश्मीर में राज कर रहा था, there is no link between both, okay? According to Tarnath, Ashoka's son Virasena had become an independent ruler of Gandhar. हुआ ये, यहाँ पर अशोका का पुत्र कुनाल, इन्होंने क्या किया, राजा बना और मगधा को संभालना चालू किया। वहीं पर अशोका का दूसरा पुत्र वीरसेन, इसने गंधार को इंडिपेंडेंटली घोषित कर दिया कि ये मेरा राज है। As कुनाला was blind, कुनाला क्या थे, ब्लाइंड थे, तो मगधा एडमिनिस्ट्रेशन वॉज इन हैंड्स ऑफ हिज सन संप्रति और दशरथा। हुआ ये कि कुनाला अंधे थे तो पहले संप्रति के हाथ में राजपाट गया और उसके बाद वही मगध का राजपाट दशरथा के पास आया, जिसको दशरथ ने संभाला जैसे जैसे करके। He had given the Nagarjuna cave in charity. इन्होंने क्या किया, एक बहुत अच्छा काम किया था जो कि मेंशन किया गया है बुक के अंदर, कि दशरथा ने जो नागार्जुना केव्स थी, आपको पता है ना कि अशोका ने चार केव्स बनाई थी, बट उसके अलावा भी बहुत सारी केव्स थी जिसमें से नागार्जुना केव जो थी वो दशरथा ने दान पुण्य में दे दी। बृहद्रथ वाज लास्ट रूलर। अब सबसे लास्ट में कौन है, बृहद्रथ, ठीक है, ये क्या थे, लास्ट रूलर थे ऑफ मौर्य डायनेस्टी, हु वाज असैसिनेटेड बाय हिज ब्राह्मण मिनिस्टर, जिसको जिसकी हत्या उनके ही ब्राह्मण मिनिस्टर यानी मैं बोल सकती हूँ पुरोहित ने कर दी, जिनका नाम था पुष्यमित्र शुंगा, और इन पुष्यमित्र शुंगा ने बाद में मगधा के ऊपर जहां पर मौर्य डायनेस्टी का राज था वहां पर शुंगा डायनेस्टी एस्टैब्लिश करी। मतलब जैसे मौर्य डायनेस्टी खत्म हुई तो आप शुंगा डायनेस्टी क्या हुई, चालू हुई। थोड़ा सा लिंक समझिए कि पहले नंदा डायनेस्टी थी मगधा पे, ठीक है, जिसके धाना नंदा नाम के राजा थे जो रूल करते थे, जिसपे आक्रमण किसने किया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने, और वहां पर मौर्यन डायनेस्टी की शुरुआत करी, है ना। फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त, फिर बिंदुसारा, फिर अशोका, फिर कुनाला, फिर यहाँ पर दशरथ और बृहद्रथ। यहाँ पर आते आते मौर्यन पर पुष्यमित्र शुंगा, जो कि बृहद के ही पुरोहित थे, गुरु थे, ब्राह्मण मिनिस्टर थे, उन्होंने उनको मार डाला और मौर्यन डायनेस्टी पर शुंगा डायनेस्टी शुरुआत कर दी। आई होप क्लियर हो गया होगा मौर्यन डायनेस्टी, क्लियर। अगर समझ में आ गया है तो लाइक करिए, अदरवाइज पढ़ते रहिए सोशल स्टडीज विद संगीता। थैंक यू सो मच।